हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 7 बज गए हैं और बच्चे हमारे रेडी हो गए हैं और ये कुछ सवाल जवाब कर रहे थे बच्चों से। आरुष कह रहा था अब धुंधला धुंधला होने लगेगा ना मौसम, जैसे सर्दी बढ़ेगी। मैं कहा हाँ भाई, उसे धुंध कहते हैं। तो आरुष ही कह रही कोहरा होता है वो। कोहरा, सही बात है, कोहरा होता है वो। हाँ, बच्चों को पता है। और 7 बजे आज हमारे बच्चे तैयार हो गए हैं। नंदनी अभी नहा रही है, बस अब जूते पहनने हैं और नाश्ता करना है। इनका टिफिन तैयार करूंगी मैं, और आरुष भी तैयार है। राम राम करो भाई सबको। राम राम जी। और जल्दी से इन्हें जगाना, मेरी ड्यूटी होती है। प्रीति को जल्दी से तैयार करना, मुझे नाश्ता बनाना। तो चलो जी, हम तो अपने किचन में चलते हैं। ये भी थोड़ी बहुत हेल्प करते हैं हमारी, जैसा लेट सवेर हो जाए बच्चे। तो ये देखिए, इधर चाय बन गई है, दूध गर्म हो गया, और ये बना दिया है मैंने बहुत सारी क्वांटिटी में चिल्ले का गोड़ बैटर तैयार करके रख दिया। टमाटर, प्याज, हरी मिर्च सब जो है पीस कर डाला है आज। तो चिल्ला मोटा नहीं बनेगा अगर पीस कर डाल दे तो। और इसने बोला कि थोड़ी बहुत हेल्प ये भी कर देते हैं, तो मन गदगद हो गया सुबह ही, बहुत ही गदगद हो गया। मैं फूला नहीं समा रहा हूँ और समा ही नहीं रहा हूँ, फूलते ही जा रहा हूँ। इतना गदगद हो चुका हूँ मैं, क्योंकि भाई थोड़ी सी तारीफ मिली है काफ़ी दिनों बाद। आज चिंकी स्कूल नहीं गई, कारण ये है कि इसको भी बुखार हो गया है, और रात में 2 बार, और दोनों बार इसे दवाई ली, और रात ये ऊपर नहीं सोई, नीचे आ गई थी। फिर मैंने कहा बेटा वहीं लौट जा मेरे पास ही, लेकिन बोली नीचे लेट जाऊंगी मैं, यहाँ मार सब हैं, ध्यान रख लेंगे, कोई बात नहीं। और चिंकी अब कैसी तबीयत है बेटा तुम्हारी? अब तो ठीक है, इंजेक्शन लगेगा। और स्कूल में जाने की जिद कर रही थी, मैंने कहा बेटा दिन में जो है फीवर हो जाएगा तुझे, मुझे पता, जब ये वायरल फीवर चढ़ना शुरू हुआ है ये थोड़ी थोड़ी देर में ही चढ़ता रहे। ये क्या हुआ तेरे हाथ पे? ये आपको पता नहीं है? ये देखो क्या हो रहा है। यो जब एंजल आई थी सर्दियों में पिछले साल, जब मेरा मैं यहाँ से ना मैं डेलगोना कैंडी बना रही थी, जब गिर गई थी वहाँ। अरे यो निशान है अब तक भी? हाँ। अच्छा, तो अभी इंजेक्शन लगेगा तेरे भी? लेकिन भैया को देख के बहुत बुरा लग रहा, मम्मी इंजेक्शन लगेगा। कोई बात नहीं बेटा, इंजेक्शन से जल्दी रिकवरी होगी, दिक्कत मत मानो, ठीक है? अपना आराम करो, इसीलिए तुम्हें स्कूल में जाने से रोका गया है आज। अंदर लेटो और कपड़ा उड़ो और सो जाओ, जितना रेस्ट करोगे उतना अच्छा है। ना फ़ोन देखो, ना टीवी देखो, ना कंप्यूटर देखो। अभी इसका फीवर उतर गया, सुबह के टाइम से 5 बजे दवाई दी थी माँ ने, और आज इसीलिए इसको स्कूल में नहीं भेजा हमने। चल, और कोई परेशानी तो नहीं? सिर में दर्द तेज बतावे अभी? शाम के 5 बज गए हैं, वैसे तो टी टाइम था, जो टी टाइम होता ही है सबका, बड़ा छोटा का सबका, अभी केवल बड़ों का हुआ, छोटे तो ट्यूशन में जा रहे हैं, यहीं पे जा रहे हैं पड़ोस में, ज़्यादा दूर नहीं जाते। नंदनी तो सो जा के कभी कभी, जब उसे आलस आवे तो उसकी छूट है, ट्यूशन में जाकर सोने की भी छूट दे रखी मैम साहब ने उसकी। और आज ये इसे मैंने थोड़ी सी बात कह दी, मगर आड़ सुझा हड़का सहर है तो भाई बिरट गया, बहुत भड़क गई, लड़ाई कर दी इसने। और जब लड़ाई से का माहौल हो तो एक पक्ष को चुप हो जाना चाहिए, जैसे कि मैं बैठा चुपचाप अभी, मैं ज़्यादा कुछ कहता नहीं भाई, क्योंकि माहौल गर्मा सकता है इसलिए। और ये साड़ी पहनो बैठी आज सुबह से ही, और ये भजन गाती फिर रही सखीरी, मैं तो वृंदावन जाऊँगी कभी ना लौट के आऊँगी। भला देखे इतना बड़ा टब्बर है, कौन संभाला कभी? वृंदावन तो तू चली जा, पर तुझे लौट के आना पड़ेगा। तो इसने कुछ विश मांग रखी, वृंदावन गए थे हम 2013 की बात है शायद ये हैं, तो 2014 में गए थे और 10 साल हो चुके, तो वो विश पूरी हुई नहीं है अभी। ये कह रही जब विश पूरी हो जाएगी, वृंदावन वाले कान्हा जी जब विश पूरी कर देंगे इसकी राधे राधे, तभी ये जागी और तभी जाने का ठाना है इसने। तो फिलहाल रेस्ट के मूड में बैठी है, वैसे बैठती नहीं अमूमन, कुछ ना कुछ करती रहे, लेकिन जब मूड ख़राब हो जाए मेरी तरफ से, मैं कुछ कह दूँ तो यह ऐसे बैठ जा। मेरी ये बहुत भारी भूल होगी आज कि मैंने ऐसे नु कह दिया हड़कस आ रहा तुझे, हड़कस में रहे, तो ये मेरी गलती है थी, ऐसा कहना नहीं चाहिए। ये क्षमा याचना जो है मैं मांग तो रहा हूँ, लेकिन क्षमा के काबिल नहीं है। ये इतनी बड़ी गलती है कि क्षमा के काबिल मुश्किल ही है।
तो ये शब्द जो है मैं अपने वापस लेता हूँ, और वापस लेकर इन शब्दों को मैं छुपाना चाहता हूँ ताकि दोबारा से ये शब्द सामने ना आवे निकल गए। बुरा लगे भाई जब कोई काम करता रहे और उसे कह दें तो अड़कस में रहे। मैं समझ सकता हूँ भावनाओं को, हैं तो यहाँ पे माहौल अभी संवेदनशील हो गया था पूरा, लेकिन कोई बात नहीं, संभल जाएगा, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है। लाइट आ गई, पहले स्टेबलाइजर की लाइट कम कर गया, स्टेबलाइजर ने कट मार दिया भाई। जैसे कि हम बात कर रहे थे दिन में भी, हमने लाइव सेशन करा था अपने यूट्यूब चैनल पाल फैमिली व्लॉग्स पे, और बताया था कि भाई बुखार की जो कंडीशन है वो एरिया में पूरी तरह से ख़राब ही हो रही है, खूब चल रहा है बुखार, बारिश के बाद बीमारियों का दौर चल रहा है ये, और अब लपेट लिया इसमें चिंके को बुखार ने। अभी अभी अरविंद का कुछ ठीक हुआ है पूरी तरह से, वो भी ठीक नहीं है, और चिंकी की आज हालत कर दी है खस्ता। खैर कोई टेंशन वाली बात नहीं है चिंकी, है जी। खा पी तो क्या करना तुझे? मैं तो फ्रूट्स खाऊंगी, मम्मी ने कीवी कीवी भी खिलाई थी सुबह, मैंने खा ली थी। अच्छा, और अभी नारियल पानी मंगाया मेरे लिए। अच्छा, सेब मंगाए, अनार मंगाए और कीवी मंगाई, और नारियल पानी और कीवी ये खा लिए हैं। फ्रूटी पी लगी, फ्रूटी हैं, चल फ्रूटी भी ले आऊँगी, यही लिक्विड वाला ज़्यादा लिए, शाम को भी फ्रूटी पी लिए हैं। दिन में तो बुखार नहीं हुआ, देखो टेम्परेचर तो लग नहीं रहा अभी बुखार वाला, बुखार तो है नहीं, पर ये ऐसा ही है, ये अंदरूनी बुखार, ये क्या है कि शरीर की ताकत को ख़त्म कर रहा है और ऐसा ही चल रहा है बस। तो गाइज मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, क्योंकि साड़ी में जो है ज़्यादा देर तक कंफर्टेबल नहीं रहते, तो दोपहर में पहनी थी मैंने साड़ी। साड़ी अच्छी लगती है, हर महिला के अच्छी लगती है, लेकिन घर के काम काज करने में और फिर सर पे पल्लू रखना पड़े ना, देखो घूंघट भले ना करो लेकिन सर पे तो रखनी पड़ती है, तो इस वजह से फिर ज़्यादा कम्फर्टेबल हम लोग रहते नहीं। ऐसा है कि फ्री पल्ला करके और अपना टेंशन फ्री रहो, उसमें तो बढ़िया लगे। तो अभी बच्चे आ गए हैं ट्यूशन से, और आज नंदनी ट्यूशन में नहीं सोई है, बिस्किट को किस है इच मेज तू मेज को हाँ। कहाँ सी करनी है लो, बस मेज खिसकाने को नहीं बोला, यहाँ सी रखो मम्मी की मेज को। बेटा पैर ऊपर को कर लो, चलो थोड़ा पंखा चला देती हूँ, नहीं तो मच्छर लगेंगे यहाँ भी। अभी मैंने लगाई थी प्रेस, तो प्रेस का काम आज शुरू कर दिया है, काफ़ी दिन हो गए हैं, कपड़े मेरे सारे अस्त व्यस्त हैं, तो इन्हें भी लगाना है क्योंकि कहीं भी पहन के जाने पड़ जा। और गुड्डू के पापा के भी ऐसे रखे, उनके कपड़ों को तो प्रीति ने कर दी थी बहुत सारों पर, लेकिन उथल पुथल कर रखे बच्चों ने कपड़े निकालने में। हालाँकि बच्चों के कपड़े सलमारी में है नहीं, लेकिन रूमाल ढूंढने के चक्कर में अलट पलट कर ही दे मैं। और बाकी सारी अलमारी बिल्कुल सेफ है, मतलब कि बिल्कुल कपड़े ऐसे कैसे लग रहे, लेकिन मेरे और गुड्डू के पापा की अलमारी में खलबली मिच रही बस, क्योंकि बहुत दिन हो गए मुझे संगवाए, तो अभी मेरे पे वही चार जोड़ी कपड़ों का प्रेस, बस कपड़े इतने सुकड़ रहे ऐसे ही पड़े पड़े, बहुत ज़्यादा सुकड़ रहे। और चलो जी चार जोड़ी और निकाल लूँगी और इन्हें प्रेस करती रहूँगी। और जो ये सूट वाली किट है ना, इसमें सेप रहे हैं ये, तो इनमें धूल मिट्टी बिन जाती, तो इनमें इन्हें पैक कर दूँगी और फिर जो है ना अलमारी में लगा दूँगी। अभी अलमारी का छोटा सा एरिया एकदम सेट कर दिया है, कुछ कपड़े ये देखिए किट में लगा दिए और कुछ ये लगा दिए, इतने कपड़ों पे आज प्रेस हो पाई है, बाकी कपड़ों पे करेंगे कल, लेकिन बच्चों की ड्रेस पर करनी है, ये लेकर चलूँगी मैं ऊपर, और कल ये वाली अलमीरा बिल्कुल सेट करनी है। अभी इसकी हालत देख लो, इनमें कपड़े मिक्स मेरे भी है, मैं अपने कपड़े ढूँढ रही नीचे यहाँ और ये रखे यहाँ, मैंने सोचा भाई नीचे ही रखे जा मेरे कपड़े, ये बच्चों ने तय बनाई होगी ना जब मैं जा रही थी, तो तब जो है ये रख दिए होंगे। बच्चों को मैं काफ़ी देर से कह रही कि बेटा अभी हम यहीं पे लिटक करेंगे सारे के सारे, इसमें दो चार पाई और आ जा, एक इधर आ जाएगी और एक बैठ के इस साइड में आ जाएगी, तो सारे के सारे इसमें एडजस्ट हो जाएंगे जैसे ऊपर लिट है। लेकिन नंदनी नहीं मान रही, बाकी और तो क्या मानेंगे, नु कह रहे नहीं हमें वहाँ नींद आने की, मैंने कहा आगे आगे ठंड होने लगेगी तो फर्श पर कैसे लिटे जाएगा, मैट पर भी गद्दे घेर का लिट है ना, रात को दो तीन जने ही तो आवे बेड पे और बाकी चार पाई वहाँ भी छाते नहीं, कभी मैट फट जा, फोल्डिंग नहीं डालते इसी वजह से। लेकिन बच्चे जो है बिल्कुल भी बात नहीं मान रहे, नू कह रहे नू हम तो वही सोएंगे ऊपर ही, और जा लिया अपने पापा जी को लेकर, खाना भी नहीं खाया, नू कह रहे हमने तो खा लिया था। चिंकी एक दिन के बुखार में ही बहुत ज़्यादा वीक होगी और चक्कर बता रही है, अरे चक्कर, चलो जी उसकी भी छत्तर पानी करनी पड़ेगी, इसमें कीवी है, कीवी ज़्यादा इसलिए नहीं मंगाई है, दब जा दब के फिर ही बढ़िया नहीं लगते, ख़राब हो जाओ। वो तो खा लिया था आज चिंकी ने,
से आगे अनार अनार ऐसे ही आ रहे अभी कीवी फ्रिज में रखी बंदन कह दे तेरी चाची को मगर मैं बहुत खा करूँ थी कीवी तो वह असल लगी कह लगी वे कीवी माँ नहीं खाई जो उनसे आप बहुत खा करूँ थे। चलो भाई कल को देंगे चिंकी को, अब तो उसने मूंग की दाल का पानी सब पी लिया। तो फिलहाल 8:30 बजने वाले हैं भाई और हम तीन यहाँ पे हैं अपने शयन कक्ष में आराम गृह में और यहाँ पे है आरुषि आरुष और मैं हैं। अभी ने नींद आई गई है, सुबह 6:30 बजे उठते हैं ना तो भाई इस टाइम नींद आई जाती है। 8:30 बज गए हैं, काफी टाइम हो गया। पापा जी उस दिन मैंने सो रहा था मुझे नींद आ रही थी दिन में। हाँ और फिर मैं रात को लेट सोया था। बेटा अगर आप अभी 9 बजे तक सो जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे 8 बजे ही सो रहे थे। 8 कहाँ, 8:30 तो बज ही गए हैं, 8 बजे कैसे सो जाओगे। 9 बजे तक सो जाओ, आधा घंटा है अभी, ठीक है आरुषि। और आरुषि को तो जबाई आ रही है, ये सो ही जागी। पापा जी हाँ चद्दर भी दे दूंगा यार, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मौसम बदल गया है, टेम्परेचर डाउन हो गया है। हाँ बेटा बताओ अभी बहुत दर्द हो रहा। कहाँ, ये देखो इसके कहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ कैसे हो सकता है। हाँ, चोट लगी। चोट लगी इसको। हाँ, क्या हुआ, नू कर लिया हाथ, इसी की ठंडक लगती है, आराम लग जाएगा। अरे नहीं उसमें आराम नहीं। हाँ? मैं अंजलि मैम के घर ना मुझे चढ़ा रही थी नंद को। हाँ? तो वो सीमेंट सा है ना वो लग गया मेरे हाथ में। चलो देखो बेटा ज्यादा तो नहीं है। हाँ, थोड़ा ये ना ये निशान हो रहा है, ये ना ये वाला निशान। हाँ? इसकी घिरस सी लगी होगी, इसकी खाल पट गई। कोई बात नहीं। हाँ? ये ठीक हो जाएगा, ये कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात लग रही। हाँ लग रही बेटा, मैंने देख लिया, कोई बात नहीं बेटा है। इतनी तो सहन शक्ति बनाए रखो, इतने सहनशील बनो बेटा। ये तो छोटी मोटी खरोच है, ऐसे तो आती रहेंगी जीवन भर में। मेरे तो पैर में मुड्ढे फोल्डिंग में पानी चित गया था। हाँ देख, और उसका भी लग गया था ना, अब देख इसके भी निशान है अभी भी यहाँ पे, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक हो गया। पूरी खाल छिल गई थी, अंते भी और अंते भी। और देखो कितनी लाइन से खाल छिट गई थी। और बहुत हिम्मत दिखाई यार उसने, है ना बेटा। और नंदनी भाई नीचे सो गई है अभी, यहाँ पे ना गद्दों की लाइन लगती है, यहाँ पे सोते हैं कई जने। तो आरुष बोल रहा है कि गद्दे बिछाने का टाइम हो गया, चलो भाई गद्दे बिछवाते हैं। हैं मैं लाइट ऑन कर दूं, ये हमारा स्टोर, इसमें रहते हैं हमारे बिस्तर, ये रिंग लाइट रखी है, कभी कभी जलती। अरे बेटा उठा भी लाए आप तो, एक संदूक है हमारा भाई, इस पे बिस्तर रखते हैं हम, ये स्टैंड है बहुत दिनों से बिस्तर रखने का। रुको बेटा रुको, आराम से उठाइए आराम से, ज्यादा नहीं ले जाने हैं क्योंकि आज कम ही जने हैं हम। चलो आरुष से उठा लो बेटा, ताकतवर हो आप तो खूब। ये चद्दर यहाँ पे गिरकी से भी उठा लेते। हाँ चलो चलो, एक में ला रहा हूँ एक में, चलो पकड़ के ले चलो। हाँ हाँ चल, आरुषि बहुत लंबी छलांग लगा रही बेटा, अभी तो कह रही थी मुझे चोट लग रही ये। चलो चलो आरुषि, चलो बेटा कौन सा कहाँ बिछाना है गद्दा, ये पता है आपको। हाँ तो फिर इसमें सिर लगेगा। नहीं 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 नहीं, चोट अभी नहीं लगेगी, बहुत ही कूदियो ना भाई, कूदियो ना आरुषि, देख मम्मी को बताऊंगा देख ले आरुषि, कूदियो मतलब, ठीक है, नहीं तो ये बता देगा वहाँ हाई कमांड के द्वारा पहुँचा देगा बात को। चलो भाई अब बिछाता हूँ इनके गद्दे क्योंकि इनका हो गया सोने का टाइम। चद्दर बिछा के लौट जाओ। चलो ठीक है।